तो इस डब्बे को रखते साइड में, तो इसको ऐसे कुछ रख देते हो। अबे आ कैमरा हिल गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अनबॉक्स अनदर चैनल बोला, अपने वीडियो नहीं बोला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैनल बोला, चैनल बोला। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक गिटार का, जो कि फेंडर का नहीं है, वो एक स्क्वायर का है। सो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे। और मैं तो साउंड टेस्ट करूंगा ही आज। और मेरे साथ आज अर्णव है। अर्णव आओ। तो ये बजा, ये कुछ, ये भी थोड़ा सा बजा के दिखाएगा, मैं इसको सिखा रहा हूँ अभी। तो कुछ गाने बजाएगा ये, तो देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें। और लाइक एम रखते इसका 100, मैं 100 ही रखता हूँ, क्योंकि 100 से ज़्यादा आता नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और इंस्टा में फॉलो कर सकते हो आप, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं अनबॉक्सिंग। तो पैकेजिंग कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो इसका प्राइस वगैरह मैं सब बताऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो इसको खोलते हैं कुछ ऐसे। आई हैव दिस नाइफ, तो इसको काटते ऐसे, निकल गया कुछ ऐसे। और अच्छा पैकेजिंग है इसमें, साइड में पहले ये गत्ते वगैरह है इसमें, गत्ते साइड में इसको। और एक चीज़ मिला, ये सब सेफ्टी के लिए, दिस इज फॉर सेफ्टी, लाइक गिटार में कुछ ना हो इसलिए दिया होता है ये सब। ये जो है, ये जो देख रहे हो आप, ये फॉर जो आपका जो हेड पार्ट है इलेक्ट्रिक गिटार का, उसके लिए होता है। तो अभी हमारा मेन यूनिट निकलेगा, तो निकालते कुछ निकालते हैं। तो ये है, और इसके साथ और कुछ, ये एक मिलता है इसका ट्रेमेलो का, मैं दिखाता हूँ, इसको रखते साइड में। और क्या चीज़ है, कुछ दिख रहा है मुझे। ओ हो, ये दिया हुआ है इसके साथ। तो इस डब्बे को रखते साइड में, तो इसको ऐसे कुछ रख देते हो। अबे आ कैमरा हिल गया। तो अभी हमें इसके साथ ये मिलता है, जो कि मैं साइड में रखा था, ये एक लाइक मैनुअल है। तो इसको निकाल लेते हैं कुछ ऐसे, मैनुअल में पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो, ज़रूरत तो है नहीं वैसे कुछ। ओके, और उसके बाद हमें मिलता है ये एक एनल की मिलता है, और एक दूसरा और एक की मिलता है, छोटा है वो, और एक स्प्रिंग मिलता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं कुछ ऐसे। और इसके साथ हमें ये ट्रेमोलो का ही मिल जाता है, इसको रखते साइड में। ये रहा गिटार। सो ये मैंने सनबर्स्ट कलर का लिया है, और ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ ये चीज़ थर्मोकोल। सो ये कुछ इसका लुक, तो आप देख सकते हो ये इसका कुछ लुक है। सो ये क्राफ्टेड इंडोनेशिया है, जो कि अच्छी बात है। और इसका ऐसा है कुछ इसका लुक, देख सकते हो आप, ये है इसका फ्रेटबोर्ड, और ये इसका बॉडी। सनबर्स्ट कलर मिलता है हमें ये,
सो इसमें मैं बता दूं कि क्या क्या स्पेक्स है। इसमें हमें सिंगल कॉयल हम्बकर मिल जाता है, मेंस की HSS, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसका। 5-way सिलेक्टर मिल जाता है, इसमें हमें 2 टोन नॉब मिल जाता है और एक वॉल्यूम का, इसमें आप जैक लगा सकते हो। और इसमें हम ये ट्रमिलो जो है ये हम लगाते हैं, इसको कैसे लगाना है देख लेते हैं एक बार। काफ़ी सिंपल है लगाना, इसको ऐसे लगाना है यहाँ पे और इसको बस आपको घुमा देना है तो आराम से ये लग जाएगा। तो लग गया, उसके बाद हम इसको लूज ही छोड़ देंगे। तो इसमें टॉप मटेरियल जो है वो बेस वुड का बना हुआ है और फ्रेटबोर्ड जो है वो रोज़ वुड का है, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छा बना है, देखो मतलब फ्रेटबोर्ड जो है काफ़ी क्लीन है। और इसमें बोल्टन नेक मिल जाता है तो आप इसको रिप्लेस करके आसानी से मिल जाता है। इसमें हमें मैपल नेक मिल जाता है पीछे की तरफ और इसका जो मॉडल है वो है स्क्वायर बाय फेंडर, बुलेट वाला है ये। सो काफ़ी अच्छे रेंज में मिल जाता है और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 12K का। और अभी अगर मैं अमेजोन में चेक करूँ इसका प्राइस तो इसका आ रहा है 11,900। सो आप ले सकते हो ये अगर आपको लेना है तो, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और एक फ़ायदा क्या होता है कि बैंक के ऑफर्स चलते रहते हैं, तो अभी है मैं देख रहा हूँ तो इसमें सिटी बैंक का है तो अगर आप लोगे तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 1500 का। और भी सारे बैंक से आप चेकआउट कर लेना। और इसमें हमें फेंडर का फ्री ऑनलाइन लाइसेंस मिल जाता है, अगर आपको देखना तो इनके यहाँ पे विजिट कर सकते हो आप, फॉर गिटार बेस एंड यूकुलेले। इसका जो वेट है 4kg समथिंग कुछ होगा, 4kg प्लस होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ये। तो इसमें आप बेल्ट को माउंट कर सकते हो यहाँ पे और एक पीछे की तरफ दे रखा है, ठीक है। और ये जो फेंडर का जो गिटार होते हैं, लाइक ये तो स्क्वायर का है बट फेंडर का जो इलेक्ट्रिक गिटार जो आता है वो साउंड के लिए माना जाता है, क्लीन साउंड के लिए। बट अभी मैंने ये कनेक्ट किया है स्पीकर से और इसका भी थोड़ा सा नॉइज़ आपको मिलेगा ये चीज़। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आई थिंक मेरे यहाँ पे अर्थिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, सो इसलिए ये हल्का सा नॉइज़ आ रहा है। तो कोई नहीं, हम उसके बाद अभी मैं डायरेक्ट ये गिटार से स्पीकर में जा रहा है और साथ में मैं इससे भी आप लोगों को सुनाऊंगा इसका साउंड कैसा था। और ये है मेरे पास बॉस का GT1 जो कि मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे और इसका भी आपको मिल जाएगा लिंक। ये वाला जो प्रोसेसर है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से, जो कि मुझे काफ़ी कम पड़ गया था और इसका मैंने लाइक कार्ड से किया था तो बैंक के जो ऑफर्स वगैरह चलते तो 1500 का डिस्काउंट पड़ गया था, तो वो भी आप ले सकते हो। इसमें आपको बैटरी से भी कर सकते हो और एडाप्टर से भी कर सकते हो। तो ठीक है, अभी हम इस गिटार का करते हैं साउंड चेक, अभी हम लोग इसका पिकअप चेक करेंगे। तो अभी ये वाला जो है सिंगल कॉइल में मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है तो इसको बजाते हैं। वॉल्यूम तो सर होता है इतना, अभी ब्रिज जो मिडिल पिकअप देखते हैं। अभी मिडल और ब्रिज पिकअप, अभी हम लोग देखते हैं ब्रिज पिकअप। साउंड काफ़ी अच्छा है इसका, अभी मैं प्रोसेसर से कनेक्ट करूँगा तो आप लोग को और अच्छी तरह पता चलेगा इसका साउंड कैसा आता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसमें हम्बकर का पिकअप लगा हुआ है सो अगर इसका अगर वॉल्यूम रहेगा कम, ठीक है, ये अगर कम रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, लाइक ये टोन काम नहीं करेगा। तो आपको ये टोन काम करने के लिए आपको इसमें करके फिर यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा साउंड, फिर ये क्लियर आएगा, ठीक है। इसमें अगर हम ब्रिज में रखेंगे ये तो आपका ये वाला काम करेगा, तो ये आ रहा है, ठीक है। अभी ये अभी जीरो में है और अभी मैं ब्रिज और लाइक मिडल वाला का करूँगा तो फिर भी इसका काम आएगा, ठीक है। तो
काम में आता है इसका, बट अभी मैं अगर मिडल में रखूंगा और इसको जीरो रखूंगा तो फिर इसको कोई काम नहीं आएगा। वो यार ये कब काम आएगा, जब हम मतलब इसमें हमने सिलेक्ट कर रखा है और अगर हम इसका साउंड देंगे तो आएगा एक क्लियर सा टोन, मतलब शार्प हाई साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। और अगर मैं कम कर दूंगा तो ठीक है, वैसे इसमें भी आपका ये है, इसमें कर्व काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा, फिर इसमें भी वही है, क्लियर कर सकते हो, फिर बस यही है। कौन है? सो ये जो साउंड आपने सुना ये एक ऑल्टो का स्पीकर से आ रहा है, तो ये डायरेक्ट कोई एम्प नहीं है, डेडिकेटेड एम्प नहीं है, तो इसमें आपका डायरेक्ट ऑल्टो से साउंड आ रहा है। सो ऐसे मिलेगा आपको। अभी हम स्विच करते हैं इसमें पेडल पे बॉस का GT1। अभी मैं ये पिकअप चेक कराता हूँ इस बॉस का GT1 से। सो पहले मैं नेक पिकअप से करते शुरू, नेक और मिडिल, मिडिल पिकअप, मिडिल और ब्रिज पिकअप, ब्रिज पिकअप, राउंडेड शेप का मजा था। लाइक जब आप कुछ भी प्ले करोगे तो आपको इजीली प्ले कर सकते हो ये। और इसका जो नेक का जो प्रोफाइल है लाइक काफ़ी पतला है, आप देखोगे तो काफ़ी सही है, प्लेइंग करने के लिए काफ़ी इजी है। तो अभी हम लोग कुछ और चेक कर लेते हैं।
ये साउंड अच्छा लगा होगा। और अभी अर्णव बजाएगा जो पहले आया था वीडियो में। अर्णव आ जाओ। तो अर्णव कुछ लाइक अभी मेरे से सीख रहा है ये, तो अभी दो तीन सॉन्ग लेकर ओके। चलो आ जाओ। अभी कॉर्ड कॉर्ड बजा दे। सही, काफी बढ़िया बजा रहा है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अर्णव ने कैसे प्ले किया वो हमें कमेंट में बताइए। तो अभी आई थिंक एक दो महीना हुआ है अर्णव, तो वो एकोस्टिक में बजाता है, उसके पास इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है, क्योंकि अभी सीख रहा था बिगिनर्स के लिए एकोस्टिक गिटार ही अच्छा रहता है। सो पहली बार इसने इलेक्ट्रिक गिटार प्ले किया, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्ले किया, तो और भी अच्छा करेगा ये। तो गाइस ये जो गिटार है काफ़ी अच्छा गिटार है, मतलब कम बजट में आपको गिटार लेना है इलेक्ट्रिक गिटार तो आप ये ले सकते हो। और भी गिटार्स आते हैं फेंडर के जो कि लाइक एफिनिटी सीरीज आते हैं, तो वो 20K के अराउंड में जाता है, 30K का भी रहता है, तो वो भी गिटार ले सकते हो। फेंडर का जो साउंड क्वालिटी होता है वो पहले बताया था, क्लीन साउंड देता है, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया साउंड देता है ये गिटार और काफ़ी बजट में है, सो ले सकते हो आप। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और बाकी बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर।